السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أيه ماري رب تنك درميان رسول بھیج جو انهي تيري آياتي پدھ تيري كتاب और हिकमत की बातें सिखाए और उनका तजकिया करे यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है नाजरीन किराम ये सूरा अल-बकरा की आयत नंबर एक सौ उन्तीस है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पाँचवीं दुआ यहाँ पर है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी आलो अवलाद के हक में दुआ कर रहे हैं कि रब बना वहींम रसूल मिन हम अय रब इन्हीं में से रसूल भेज और रसूल का काम क्या होगा जो तेरी आयतों को पढ़कर सुनाएगा सिखाएगा और उन्हें किताब और हिकमत की बातें बताएगा और उनका तजकिया करेगा और अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की, की अल्लाह ने सारे रसूलों को एक मिशन देकर भेजा फरमाया बिल्बइा हमने अपने रसूलों को दलाइल दे करके भेजा और उनके साथ किताब नाजिल की उन्हें मैज़ान अता किया ताकि लोगों के दरमियान इंसाफ़ के साथ वो फ़ैसला करें किताब दस्तूर इलाही वाहि इलाही और अदलो इंसाफ का हमें उन्हें हुक्म दिया इंसान के लिए बाज़लमा ने लिखा है कि मिन आज़म लज्ज्ज्ज्ज्ज़ात दुनिया अंतरा औलाद का अलग इसम दुनिया की जो लज्ज़तें हैं दुनिया की जो ख़ुशियाँ हैं उनमें सबसे बड़ी ख़ुशी इंसान के लिए जो मिलती है वो ये कि आदमी अपनी औलाद को दीन पर इस्तेकामत के साथ देखे कि मेरी औलाद दीन पर कायम है जैसे आप मस्जिद में गए तो आपकी औलाद मसल पर इमाम है तो ये बहुत बड़ी ख़ुशी आपको अल्लाह ने अता की आपकी औलाद इमाम नहीं है लेकिन आप मस्जिद में गए तो मस्जिद में वो नमाज़ के लिए खड़ी है मस्जिद पढ़ रही है लेकिन मस्जिद में हाजिर है ये भी बहुत बड़ी खुशी है घर वापस आए नमाज पढ़ करके तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशी कि आपकी बीवी या बेटी नमाज़ पढ़ रही है या तैयारी कर रही है इस्तेकामत रब की इताअत पर जमे रहना जब औलाद को इस हाल में इंसान देखता है तो अल्लाह उसके जिगर को ठंडक देता है इब्राहीम पूरी ज़िंदगी अपनी आलू औलाद की इस्तेकामत और हिदायत की फ़िक्र करते रहे दुआएं करते रहे दुनिया जब बनी है दुनिया आबाद हुई है तो दुनिया में सारे लोग पहले एक ही दिन पर थे आदम के ज़माने में शिरक नहीं था नूह अलैहिस्सलाम और आदम के ज़माने में जो दौर है ये एक हज़ार साल का वक्फा है आदम के एक हज़ार साल के बाद दुनिया में शिरक और कुफर फैलना शुरू हुआ फिर नूह अलैहिस्सलाम आए नूह अलैहिस्सलाम के बाद फिर जब कुफ़र शिरक़ फैल गया तो दीन की दावत दी समझाया फिर दुआएं की अजाब नाजिल हुआ फिर पूरी कौम हिला हुई जो कश्ती में सवार हो गए उन्हें से दुनिया दोबारा बसी नू सलाम को इसलिए आदम सानी कहा जाता है इब्राहिम और नू सलाम के दरमियान भी तकरीबन छः सौ साल का वक्फ़ा है तो अम्बिया को भेजता ही था ला उस वक्त जब लोगों में हिदायत देने की रहनमाई की ज़रूरत पड़ती थी लोग रास्ते से हट जाते थे अपनी आलू औलाद के लिए अरब के लिए अहल अरब के लिए आल इसमाइल के लिए खसूसी दुआ की रब बना वी रसूल मन हम मेरे रब मेरी औलाद में इन्हीं में से एक रसूल भेज और अल्लाह ने इब्राहीम की औलाद इस्माइल आलाम की ही नस्ल से आखिरी नबी मोहम्मद अलैहि वसल्लम को रसूल बनाकर भेजा औलाद इस्माइल में सिर्फ़ एक ही नबी आए मोहम्मद अरबी वसल्लम और इब्राहीम की जो दूसरी औलाद थी इसहाक़ा उनमें बहुत सारे अम्बिया आए इसहाँ आए याक़ूब आए यूसुफ़ल आए मूसा सलाम आए ईसम अम्बिया की एक बड़ी तादाद हारून आल् आए लेकिन औलाद इस्माइल में आखिरी नबी हमारे आका मोहम्मद अरबी वसल्लम एक ही नबी और एक ही रसूल आए रसूल के आने का क्या मकसद है यत्न अलहि मायातिक महमूल किताबुल के तेरा कलाम पढ़ कर लोगों को सुनाए ताकि लोग समझ सकें अमल कर सकें और अपनी ज़िंदगी की असलाह कर सकें कुरान पढ़ने का मकसद हासिल करना अमल करना फ़िक और अमल ये तीन मकसद है कुरान पढ़ने का नंबर एक इल्म हासिल करना इल्म की बुलंदी को पाना नंबर दो फ़्र के मैदान में बरतरी हासिल करना तफक् वन दीन की गहराई बसरत हासिल करना नंबर तीन अमल करना वही ने महमल किता और फिर उनको म सिखाने के साथ साथ किताब और हिकमत भी सिखाएं ये अल्लाह के नबी की जो सुन्नत है ये हिकमत से पुर है और ये सुन्नत क़ुरान की हिकमतों की तशरी और तफसीर है जहाँ क़ुरान में कोई बात इजमालन और मुख्तसरन है हदीस में सराहत और वजाहत के साथ वो बात वो बात बयान की गई वहीज़क् की हिम और उनका तजकिया करेगा वो रसूल लोगों के अखलाक़ का तजकिया करेगा बुरे अखलाक आदात की असलाह करके सही अखलाक की तरफ ले आएगा और बुरे आमाल जिनमें शिरक या बेजाज शामिल हों उनका तजकिया करकेहिद सुन्नत की तरफ ले आएगा तजकिया इसी को कहते हैं कि आदमी अखलाकी तौर से जो बुराइयाँ हैं वो ख़त्म हो जाएँ साफ हो जाए और आदमी अखलाक़ हसना पर काय हो जाए अमली तौर से जो बुराइयाँ हैं इबादत की राह में भी जो शिरकियात बद्यात दाखिल हैं उनका तजकिया हो और उसके बाद फिर आदमी साफ और सही दिन पर अलमहज्जतुल अलमजतलबैज़ा पर क़ायम रहे इन नंतज़ीज़ल हकीम तू क़वत वाला गालिब है और हमत वाला है अल्लाह की इज्जत ऐसी इज्जत है ऐसा गलबा है इज़्ज़तकद्र इज्जत-ul-कहर और इज्जतुल औरतिना ये तीन तरह का गलबा अल्लाह का है उसकी तफसील अभी मैं बताता हूँ और हिकमत वाला है ऐसी हिकमत जो बंदों की मसलहतों के शायान शान हो और वो हिकमत हुक्म पर भी शामिल हो, हुक्म भी उसी का है हिकमत भी उसी की है इन का अंतल हकीम तो ये दुआ इब्राहिम अलैहिस्सलाम की है अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल की रसूल भेजा और उसी का अल्लाह ने ज़िक्र किया आयत नंबर एक सौ उनतीस में इस आयत से जो मसाइल और साबित होते हैं पहला मसला इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाद की नस्लों के लिए रसूल की ज़रूरत महसूस किया कि रसूल की ज़रूरत है और जब नबी कोई ज़रूरत देखता है समाज माशरे और लोगों में तो उस ज़रूरत को अल्लाह के सामने पेश करता है कि मेरे रब यहाँ पर रसूल की ज़रूरत है इन में से रसूल भेज दे दुआ किया ज़रूरत को रब के सामने पेश किया और अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल करके आखिरी रसूल हमारे आका सल्लाम को औलाद इसमाइल में से भेजा दूसरा जो मसला सबित होता है दूसरा फ़ायदा अल्लाह के रसूल वसल्लम लोगों के दरमियान अल्लाह की आयतें पढ़कर सुनाते थे यतलू अलिम आयातिक ये है रसालत का मकसद कि लोगों के दरमियान तेरी आयतें पढ़कर सुनाएंगे तिलावत करेंगे और उन्हें हिकमत की बातें सिखाएंगे और इब्राहीम की दुआ भी कबूल की गई अल्लाह के रसूल सल्ला वल्लम पर कुरान उतरता सहाबा की एक टीम थी बाईस तेईस सहाबा जो वह के कातबीन लिखने वाले थे एक टीम ऐसी तैयार की कि उनको कुरान सिखाते थे एक टीम कुरान के पैगाम को आम करती थी दुनिया में और मुख्तलिफ़ मैदान की टीमें आपने तैयार कर दिया तरीक़ा ये था कि अपने साहबा को जब कुरान सिखाते तो द, द, दस दस आयतें सिखाते थे दस आयतें सिखाते लोग उसको सीख लेतेम हो जाता अमल करने लगते फिर आगे बढ़ते थे कुरान सीखने का यही तरीका कि थोड़ा थोड़ा सीखा जाए हासिल किया जाए अमल किया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए स्पीड में कुरान को सीख लेना दो दिन में ख़त्म कर देना पढ़ करके फिर बंद कर देना ये बहुत अच्छा काम नहीं है पसंदीदा नहीं है मुस्तकिल करना ये अल्लाह के यहाँ पसंदीदा है चंद आयतें पढ़िए चंद आयतें याद कीजिए चंद आयतों को अपने ऊपर नाफिस कीजिए लेकिन मुस्तकिल आप उस पर जमे रहिए और इस तरह से अहद रसालत से लेके आज तक ये सिलसिला जारी है कि ये उम्मत कुरान को सीखती है पढ़ती है याद करती है समझती है और समझाती है तीसरा जो मसला और फ़ायदा इस आयत से साबित होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तरफ़ से जो आयतें जो निशानियाँ जो पैगाम ले आए वो बिल्कुल हतमी और कतई पैगाम थे उसमें रद्द बदल की गुंजाइश नहीं वह इंसानों की ज़रूरत मिजाज माहौल और तौर तरीके के आयने मुताबिक वो पैगाम है चौथा जो मसला साबित होता है इल्म सीखने और सिखाने की फजीलत अल्लाह ने पहले वही इकरा नादिल की कि पढ़िए इल्म हासिल करने का हुक्म दिया आपकी रसालत से पहले अभी रसूल नहीं बनाए गए विलादत नहीं हुई इब्राहिम का दौर है और इब्राहीम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम और उसके बाद कई सदियों के बाद अल्लाह के रसूल वसल्लम रसूल बनाकर भेजे गए लेकिन इब्राहीम ने जो दुआ की कि वैू अमल किताब बबुल हकम ये रसूल वमिता बबल हकम लोगों को किताब और हकमत सिखाएंगे इल्म की फ़जीरत इब्राहीम की जो दुआ थी कि मेरी आलो औलाद में फैल जाए तेरी किताब का इल्म, तेरी हिकमत का इल्म, और उसको फैलाने के लिए एक रसूल भेज और फिर अल्लाह ने जब रसूल भेजा तो उस रसूल को सबसे पहले इकरा का हुक्म दिया पढ़ने का इल्म हासिल करने का दुआए खलील थी कि इल्म फैलाना है इल्म सिखाना है, हिकमत सिखाना है अल्लाह ने वो दुआ कबूल की और रसालत जब शुरू हुई आगाज़ हुआ नबी बनाया गया तो इकला से इल्म के हसूल की तरगीब और आर्डर दे करके हज़रत अबूजरगफारी रजी लान फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जफ़ात हुई तो आपने हमारी हमें सारा दिन सिखा दिया कोई परिंदा अगर परों को पलटता उलटता है हवाओं में तो उसका भी इल्म आपने हमें अता किया जिस इल्म को सिखाने की इब्राहिम ने दुआ की थी जिस इल्म को सीखने के आगाज़ से कुरान का नौज़ुल हुआ इक़रा से शुरुआत हुई वफात तक आपने इल्म को मुक़म्मल तौर से फैला दिया कोई चीज़ छूटी नहीं रब की बंदगी और इबादत से मतलब कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई पाँचवा मसला इस्लामी शरीयत के जितने कवानी हैं जितने दस्तूर हैं असूल हैं ये ऐसी हमत पर मबनी है जो लोगों की मसलहत और फ़ायदे पर मुश्तम है कोई भी क़ानून शरीत का ऐसा नहीं है जो लोगों की फ़ितरत के खिलाफ हो लोगों की फितरत के आयने मुताबिक और मुआफ़ ये शरीय नाजिल हुई छठा मसला जो से साबित होता है कि अम्बिया जो भेजे जाते थे वो दो मकसद देकर भेजे जाते थे एक तो ये कि लोगों में अच्छे अखलाक फैले व मकार अखलाक मुझे भेजा गया कि मकार में अखलाक की तकमील करूँ व इनकलोकन अजीम आपके बारे में अल्लाह ने फरमाया कि आप अखलाक की बुलंदी पर हैं वही उज्क्की हिम में ही पैगाम है कि इंसान की ज़बान में किरदार में अखलाक़ में जो बुराई हो वह सब साफ हो जाए मोमिन अपने अखलाक़ से पहचाना जाए अमल पर गरूर करना यह शैतान का काम है मुमिन गरूर नहीं करता है अगर आपका ईमान इल्म और अकीदा मज़बूत है इखलाक बुरा है तो आपका इخ, बुरा इखलाक इल्म की बरकत को महरूम कर देगा तो तजकिया और इल्म दोनों ज़रूरी है इल्म फैलाने के लिए आला इखलाक के साथ इल्म की गहराई का होना दोनों ज़रूरी है सातवा मसला अल्लाह के आसमाय हसन का वसीला लेकर दुआ करना इन नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम तू गालिब और हिकमत वाला है अल्लाह की इज्जत और अल्लाह का गलबा अल इन में लिखा कि कुदरत का गलबा ऐसा गलबा ऐसी कुदरत जो किसी और के शाया न नहीं ऐसी ताकत जो किसी और के शाया न नहीं ऐसा हुकम और ऐसी हिकमत जो किसी और के शायन शान नहीं ये उसी के शायन शान और उसी के लायक और उसी के मकाम व मरतबा के लायक है हिकमत भी उसकी सिर्फ वही उसका मालिक है हुकुम भी ऐसा जो सिर्फ़ वही उसका मालिक है गलबा भी ऐसा कि जो सबसे बुलंद और वही उसका मालिक है वलिलात वल रसूल ही वलमिन अल्लाह ने एक जगह फरमाए की गलबा अल्लाह के लिए उसके रसूल के लिए और ईमान वालों के लिए है आठवां मसला जो शायद से साबित होता है हिकमत का होना ये शरीयत का एक हिस्सा है अल्लाह ने कोई भी कानून बगैर हिकमत और मसलहत के नहीं मुकर्रर किया नमाज है इन सला तन अनफ़ा शाह मुनकर नमाज़ बुरी बातों बेहियों से रोक देती है हुक्म दिया गया कि वयन वस वस्सलात, सब्र और नमाज के जरिए मदद तलब करो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बंदा नहीं जानता क्यों जहरी रखा जहरी नमाजें रात में क्यों दिन में नहीं है शरीरी नमाजें दिन में है रात में क्यों नहीं ये अल्लाह इसकी हिकमत जानता है हुक्म और हमत का मालिक सिर्फ वो है हमें उसके हुक्म पर अमल करना है और उसकी हिकमत की जो चीज़ें हमें मालूम है नबी ने बताई हमें उन पर ईमान रखना है जो नहीं हम जानते हम उसकी कुरेद में नहीं पढ़ेंगे ये अल्लाह का निज़ाम है और अल्लाह ताला गलबा जिसको चाहे दे इसमें कोई उसके गलबे का कोई ताकत व पावर का कोई कोई पूछ नहीं सकता वो गालिब है क़वत वाला है अपनी क़वत अपना मुल्क जिसको चाहता है देता है जिससे चाहता है लेता है क़लिकल मुल के तिलमल्क मंतशा व तनज़ुलमुल्लक मम मंत कही के मेरे रब तू मुल्क का मालिक है जिसे चाहता है मुल्क हुकूमत के लिए देता है जिससे चाहता है उससे मुल्क की हुकूमत छीन लेता है व तो इज्ज़ मंतशा व तो दिलोम जिसे चाहता है, देता है जिसे चाहता है ज़िल्ल देता है तेरे ही हाथ में भलाई है तो हर चीज़ पर कादिर है तो इन का अंतर अज़ीज़ल हकीम यह है अल्लाह के आजमायसन का वसीला तलब करके दुआ करना अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म और हिकमत और तज़किए की तौफीक अता तौफ फ़रमाए हमारे अखलाक़ को बुराइयों से हमारे अमाल को बिदात और शर्कियात से महफूज रखें और अपने नबी अलैहि वसल्लम की पैरवी की तौफीक अता फ़रमाए आमीन व अला अला नबीना मुहम्मद वसल व महम्मद वाल नाज़रीन भजमाइन सूरह अल बकरा की आयत नंबर एक सौ उन्तीस के बाद एक सौ तीस की तफसीर के साथ अन करीब आपकी खिदमत में हाजिरी होगी आप जब तक के लिए इजाज़त दीजिए आपकी नवाज़िश और मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू